गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट क्लास 11 बायोलॉजी आई एम अजय गिरारी मंगलम इंटर कॉलेज मुसाफिर खाना। हमने आपको वनस्पति जगत में शैवाल, शैवाल के लक्षण और आर्थिक महत्व, उसके बाद ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा के लक्षण और आर्थिक महत्व बताया था। आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ टेडोफाइटा क्या है, कहाँ पाया जाता है और इसमें बीज होते हैं कि नहीं होते हैं, इनमें प्रजनन किसके द्वारा होता है और इसके उदाहरण कौन कौन से हैं और इनका लक्षण क्या है और इनके आर्थिक महत्व क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेडोफाइटा क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, कैसे क्या प्रजनन करता है। तो हम बात करते हैं टेडोफाइटा की। टेडोफाइटा ये आपका बीज रहित संवहनीय पादप होता है, बीज रहित संवहनीय पादप होता है जिनमें बीज नहीं पाए जाते हैं, मतलब टेडोफाइटा के जो पौधे होते हैं उनमें बीज नहीं पाए जाते हैं तथा प्रजनन इनमें बीजाणुओं द्वारा होता है। टेडोफाइटा में जो प्रजनन होता है वो आपका बीजाणुओं द्वारा होता है और ये नमी वाले स्थानों पर ज़्यादा पाए जाते हैं, नमी वाले स्थानों पर ही पाए जाते हैं, परंतु कुछ ऐसे होते हैं जो जलीय में मतलब जल में भी पाए जाते हैं। जैसे उदाहरण में आपका है सिलेजनेला, साल्विनिया, मार्सिलिया, ये आपके टेडोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आपसे टेडोफाइटा के लक्षण क्या हैं, मतलब लक्षण में हम नंबर एक बात करते हैं इनका शरीर जो होता है जड़ तना तथा पत्तियों में विभाजित होता है, मतलब इनके शरीर में जड़ तना पत्ती एक साथ में नहीं होते हैं। आपके इसके पहले वाले में ब्रायोफाइटा में ये एक साथ थे लेकिन इनमें तीनों चीज जड़ तना पत्ती अलग अलग होते हैं। और इनमें दारू मतलब जाइलम जो होता है टेडोफाइटा में जो जाइलम होता है तथा पोसवा मतलब फ्लोएम, जाइलम को इंग्लिश में बोलते हैं सॉरी हिंदी में बोलते हैं दारू और फ्लोएम को हिंदी में बोलते हैं पोसवा, जो कि बच्चे आप लोग केवल जाइलम और फ्लोएम के नाम से जानते होंगे, उसका हिंदी नाम नहीं जानते होंगे। हिंदी नाम उसका जाइलम का दारू और फ्लोएम का पोसवा होता है। तो इनमें जाइलम और फ्लोएम युक्त संवहन बंडल पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें संवहनीय क्रिप्टोगेम्स कहा जाता है। और नंबर तीन, इनमें जो रंभ होते हैं वो पाए जाते हैं, इनमें रंभ होता है और संबंधित विचारधारा याम टीगम या डोलिट ने प्रस्तुत किया था। और इनमें जो नर प्रजनन अंग होते हैं किसमें, टेडोफाइटा में नर प्रजनन अंग को पुधानी तथा मादा प्रजनन अंग को स्त्रीधानी कहा जाता है, इसी वजह इनमें पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। नर प्रजनन अंग पुधानी और मादा प्रजनन अंग स्त्रीधानी के आधार पर इनमें पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं आपसे टेडोफाइटा का आर्थिक महत्व, ये कहाँ पाया जाता है, इसका महत्व क्या है। टेडोफाइटा को घरेलू जानवरों के चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है। और नंबर दो, एजोला का उपयोग उर्वरक के रूप में, मतलब जो टेडोफाइटा में एजोला नामक का पौधा होता है उसका उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है, क्योंकि ये आपका इसमें नीलहरित शैवाल एनाविना, इनमें एक प्रकार का नीलहरित शैवाल होता है जिसका नाम होता है एनाविना। नंबर तीन, इसका महत्व जो है, इनमें लाइकोपोडियम की अनेक जातियां जो कि नाइट्रोजन युक्त रसायन एल्कोलाइड्स बनाती हैं, ये कीटनाशक के रूप में कार्य करती हैं। ओके बेटा, थैंक यू। अब इसके बाद हम आपको अगले वीडियो पर बताएंगे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के लक्षण क्या हैं और आर्थिक महत्व क्या हैं। ओके, थैंक यू।